हेलो फ्रेंड्स, दिवाकर एकेडमी में आपका स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हमने एक कस्टम पोस्ट टाइप क्रिएट किया था जो आप यहां पे देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग एक टैक्सोनॉमी क्रिएट करेंगे। तो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में हम लोग क्रिएट जो कस्टम पोस्ट टाइप क्रिएट करना था मूवी नेम से ये कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग एक टैक्सोनॉमी क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए हम लोग एडिटर पे आ चुके हैं और यहाँ पे एड एक्शन करूँगा, एड एक्शन। और यहाँ पे हुक का नाम तो मैं इनिट लिख देता हूँ और यहाँ पे फंक्शन नेम तो मैं लिख देता हूँ रजिस्टर टैक्सोनॉमीज। इस नाम से हमें फंक्शन को डिफाइन करना है, तो इसे कॉपी कर लिया और यहाँ पे मैं लिखूँगा फंक्शन और इस फंक्शन का नाम को मैंने पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे रजिस्टर टैक्सोनॉमी यहाँ पे हमें रजिस्टर टैक्सोनॉमी इस फंक्शन का यूज करके हमें अपने टैक्सोनॉमी को रजिस्टर करना है। तो यहाँ पे मैं टैक्सोनॉमी का नाम दे देता हूँ, तो मूवी टाइप कर देता हूँ इसका नाम। और जिस पोस्ट टाइप में हमें जिस पोस्ट टाइप में हमें इसे ऐड करना है उसका यहाँ पे पोस्ट टाइप का नाम देना है। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ मूवी। आप इसके अलावा और भी अगर पोस्ट टाइप में ऐड करना है उसे, तो आप इस जैसे फिल्म, आप इस तरह से भी मल्टीपल पोस्ट टाइप में इसे ऐड कर सकते हैं। तो मैंने रजिस्टर पोस्ट टाइप के साथ मूवीज में इसे पोस्ट टाइप से मूवी पोस्ट टाइप को यहाँ पे ऐड कर दिया। तो ये अब मूवी पोस्ट टाइप में इससे कनेक्ट हो जाएगा, मूवी टाइप इस पोस्ट टाइप से कनेक्ट हो जाएगा। अब हमें इसे तीसरे पैरामीटर में हायरार्की देना है। ट्रू कर दिया और इसके बाद लेबल्स लेबल्स नाम के एरे में हमें लेबल पास करना है। तो यहाँ पे नेम कर दूंगा, अगर आपको नेम में मैं यहाँ पे कैटेगरीज कर दूंगा कैटेगरी, और इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसे पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। सिंगुलर नेम, सिंगुलर नेम, और यहाँ पे भी मेनू नेम कर देता हूँ, सिंगुलर नेम में कैटेगरी कर देता हूँ। अब यहाँ पे हमें शो यूआई, अगर वर्डप्रेस इसे एडमिन में शो यूआई लिख देता हूँ, इसे डिस्प्ले कराना है एडमिन में। तो यहाँ पे ट्रू ट्रू और इसके बाद सो एडमिन एडमिन कॉलम भी हमें ट्रू करने हैं। और यहाँ पे रीराइट, इसका स्लग आप चेंज कर सकते हो। रीराइट यहाँ पे स्लग इसका इस तरह से होगा मूवी टाइप, लेकिन मैं इस मूवी को हटाना चाहता हूँ, सिर्फ टाइप रखना चाहता हूँ। तो इसके स्लग या यूआरएल बोल लो, इसमें आपको जो चाहिए। तो मैं यहाँ पे स्लग लिख लेता हूँ और इसके बाद यहाँ पे टाइप लिख देता हूँ। तो ये अब इसका स्लग टाइप के साथ बनेगा, मूवी अंडरस्कोर टाइप नहीं बनेगा। इस तरह से आप अपने स्लग को भी रीराइट कर सकते हो। अब मैं इसे एक बार रिफ्रेश करके देखता हूँ, तो यहाँ पे कैटेगरीज नेम से हमारी टैक्सोनॉमी दिख जाएगी। देख सकते हो फ्रेंड, इस तरह से आप कैटेगरीज क्रिएट कर सकते हो। तो कैटेगरी हमने जो क्रिएट की थी वो पहले यहाँ पे डाल लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे बॉलीवुड। जैसे मैं इसे व्यू करूंगा तो आप देखोगे कि यहाँ पे टाइप के साथ आ रहा है, ठीक है, रीराइट में टाइप आ रहा है। इसे ये भी नॉट फाउंड आ रहा है क्योंकि हमने इसका परमालिंक से रीसेट नहीं किया है।
इसलिए सर मैं एक बार परमालिंक्स भी रीसेट कर देता हूँ। यहाँ से सेटिंग से जाना है आपको और यहाँ से आप परमालिंक्स चेंज कर देना आपको। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक किया और इसे सेव चेंजेस पे क्लिक कर दिया, तो आप देखेंगे कि इसका परमालिंक्स रीसेट हो गया होगा। अब हम इस पेज को रिफ्रेश एक बार क्लोज करके दोबारा से इसे रिफ्रेश करके ओपन करते हैं, तो आप देखोगे कि यहाँ पे पेज नॉट फाउंड का इश्यू चला गया। यहाँ पे इसमें कोई पोस्ट नहीं इसलिए ऐसा दिखा रहा है। और यहाँ से अगर यही अगर आप चाहेंगे तो रीराइट नहीं डालोगे तो ये आपको इस तरह से दिखाएगा, मूवी पोस्ट टाइप मूवी अंडरस्कोर टाइप। एक बार इसे भी देख लेते हैं आप। एक बार परमालिंक दोबारा से रीसेट कर देता हूँ ताकि अगर अब हम एक बार इसे रिफ्रेश करते हैं। अब मैं इसे ओपन करूंगा तो आप देखोगे कि यहाँ पे मूवीज अंडर हाइफ अंडरस्कोर टाइप, तो ये अच्छा नहीं दिख रहा है यूआर में, इसलिए मैंने इसको रीराइट कर दिया। आप इस तरह से आप पोस्ट टाइप के भी कर सकते हो जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ रीराइट। तो अब मैं इसे रिफ्रेश करूंगा तो ये एक बार फिर से इसे परमालिंक को रिसेट कर देता हूँ यहाँ से। पेज नॉट फाउंड आ रहा है क्योंकि हमने अब परमालिंक्स रीसेट हो चुका है, आप देख सकते हो। अब मैं इसे रिफ्रेश करूंगा तो ये पेज नॉट फाउंड वाला इशू हट जाएगा, देख सकते हैं। तो इस तरह से आप टेक्सोनॉमी क्रिएट कर सकते हैं। हम लोग इसे बॉलीवुड हॉलीवुड जो कैटेगरी क्रिएट करना है हम लोग यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं। और इस तरह से आप क्रिएट कर सकते हो टेक्सोनॉमी। मैंने कस्टम टेक्सोनॉमी क्रिएट कर दी है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन दबा देना वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद फ्रेंड्स।